मित्रों इनसाइट पर एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो छात्रों को ट्रायल केस से परिचित होने में मदद करेगा। जो दर्शक अक्सर नेत्र जांच के लिए जाते हैं, ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि उस डब्बे के अंदर क्या है जिसके अंदर से आपके नेत्र चिकित्सक बड़ी उत्सुकता से लेंजेस निकालते हैं। इसे ट्रायल बॉक्स या ट्रायल सेट कहा जाता है। ये सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन और हैंड न्यूट्रलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमें बाइनोक्युलर विजन असेसमेंट से संबंधित चिकित्साएं, नैदानिक और व्यायाम प्रक्रियाओं को पूरा करने में भी मदद करता है। आज हम जिस ट्रायल केस को देख रहे हैं वो सभी सामानों के साथ एक पूर्ण ट्रायल केस है। ये इससे भी छोटे आकार में आता है, जहां आपको जोड़े के बजाय प्रत्येक पावर का एक लेंस मिलता है और कुछ एक्सेसरीज भी कम होते हैं। ट्रायल केस में लेंस पूर्ण अपर्चर या कम अपर्चर प्रकार के हो सकते हैं। आज हम जिस ट्रायल केस को देख रहे हैं उसमें ग्लास मटेरियल से बने लेंस हैं। अब मैं व्यक्तिगत रूप से ग्लास मटेरियल को ट्रायल लेंस के लिए पसंद करता हूं, विशेष रूप से ग्लास के दो गुणों के कारण। नंबर एक, इसमें बहुत कम रंग संबंधी असामान्यताएं हैं, जिसे हम अंग्रेजी में क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं। हमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ट्रायल लेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह वो पड़ाव है जहां सब कुछ शुरू होता है। और नंबर दो, ग्लास मटेरियल पे आसानी से खरोच नहीं आते। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ और अच्छे ऑप्टिकल प्रदर्शन के लिए ट्रायल लेंस को साफ रखना होता है, जिसका अर्थ है अधिक पोंछना, और उसके वजह से उत्पन्न होती है खरोच की संभावना। तो आइए शुरू करें और ट्रायल केस के विभिन्न हिस्सों पर एक नजर डालें। ट्रायल केस का पहला हिस्सा जिसे हम देखेंगे वो स्फेरिकल लेंस है। स्फेरिकल लेंस सामान्य रूप से प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। स्फेरिकल लेंस सबसे बुनियादी प्रकार के लेंस हैं और इसका उपयोग निकट दृष्टिता और दूर दृष्टिता अर्थात मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया दोनों को ठीक करने के लिए किया जाता है। प्लस पावर के स्फेरिकल लेंस का उपयोग हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टिता के सुधार के लिए किया जाता है। एक प्लस लेंस आने वाली रोशनी में अधिक कन्वर्जेंस जोड़ता है। कन्वर्जेंस को हम अभिसरण भी कह सकते हैं। माइनस स्फेरिकल लेंस का मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग होता है। एक माइनस लेंस आंख में प्रवेश करने से पहले प्रकाश या लाइट को डाइवर्ज या विचलित कर देती है। एक ट्रायल केस में स्फेरिकल लेंस 0.25 डायप्टर से 20 डायप्टर तक के पावर में उपलब्ध है, जिसमें 4 डायप्टर के पावर तक 0.25 डायप्टर की वृद्धि होती है, 6 डायप्टर के पावर तक 0.5 डायप्टर की वृद्धि होती है, 14 डायप्टर के पावर तक 1 डायप्टर की वृद्धि होती है, और उसके बाद 20 डायप्टर के पावर तक 2 डायप्टर की वृद्धि होती है। ट्रायल केस का अगला हिस्सा सिलिंड्रिकल या बेलनाकार लेंस है। ये लेंस एस्टिग्मेटिज्म के समस्या को हल करते हैं। सिलिंड्रिकल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जिनमें केवल एक मेरिडियन में पावर होती है। इस तरह के लेंस के आकार की कल्पना एक बेलन या सिलेंडर के रूप में की जा सकती है। सिलेंडर के एक्सिस की कल्पना एक तार के बराबर या फिर सिलेंडर के केंद्र से गुजरने वाली रेखा के रूप में की जा सकती है। दो सफेद रेखाएं सिलेंडर के एक्सिस को दर्शाते हैं। अगला हिस्सा जिसे हम देखेंगे वो प्रिज्म्स है। प्रिज्म में दो कोन वाली अपवर्तक सतह या रिफ्रैक्टिंग सर्फेस होती है। प्रिज्म का सबसे सरल रूप दो सपाट सतह है जिनके मध्य में एक कोण है। जिस बिंदु पर ये दो सपाट सतह मिलते हैं उस बिंदु को प्रिज्म का शीर्ष या टॉप कहा जाता है। प्रिज्म के तल को बेस कहा जाता है। एक प्रिज्म प्रकाश की दिशा को बदलने में मदद करता है, उसके वर्जन्स को बदले बिना। किसी वस्तु के छवि की स्थिति को प्रिज्म द्वारा बदला जा सकता है। जिन लोगों की आंखें एक टीम की तरह एक साथ काम नहीं करती, उन्हें प्रिज्म के उपयोग से मदद मिल सकती है। प्रिज्म का उपयोग फ्यूजनल रेंज मापने में, स्ट्रैबिस्मस या तिर्याक दृष्टि को मापने में और सही करने में, और एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन का कोण को मापने और सही करने में की जाती है। ट्रायल बॉक्स का अगला हिस्सा है प्लेनो लेंस। ये लेंस ना के बराबर पावर के साथ होते हैं और इनका उपयोग ऐसे रोगियों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो स्पष्ट रूप से नहीं देखने का दिखावा करते हैं, जबकि वे वास्तव में देख सकते हैं। ऐसे करने को अंग्रेजी में मैलिंगरिंग भी कहा जाता है। ऐसा अक्सर बच्चे करते हैं। ट्रायल लेंस का एक और हिस्सा है मैडॉक्स रॉड। इसमें समानांतर हाई पावर प्लेनो कॉन्वेक्स सिलेंडर्स की एक श्रृंखला होती है,
जो प्रकाश के एक बिंदु के स्रोत को एक रेखा के चित्र में परिवर्तित करती है, जो कि सिलेंडर के एक्सिस से 90 डिग्री के दूरी पर होती है। यदि आप मैडॉक्स रॉड को घुमाते हैं तो छवि भी 90 डिग्री घूमती है। ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या टॉर्जनल विचलन या डेविएशन की मात्रा को निर्धारित करने में मदद करता है। स्टेनोपिक स्लिट भी ट्रायल केस का हिस्सा है। इसमें 0.5 से 1 mm की स्लिट होती है। ये प्रकाश की एक पतली पट्टी को आंखों में प्रवेश करने और रेटिना पर गिरने देती है। यह एस्टिगमेटिज्म के एक्सिस को खोजने में मदद करता है। ये एम्सले फिंचम टेस्ट करने में भी मदद करता है। इस टेस्ट के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि एक रंगीन प्रभामंडल, या अंग्रेजी में जिसे हम हेलो कहते हैं, आंखों के लेंस से उत्पन्न होता है, जैसा कि मोतियाबिंद में होता है, या कॉर्निया से होता है, जैसा कि एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा में होता है। ऐसा करने के लिए स्टेनोपिक स्लिट को आंखों की पुतली के आर पार लिया जाता है। लेंस से उत्पन्न होने वाले हेलो में एक ब्रेक दिखेगा, जबकि कॉर्नियल हेलो में कम चमक होगी लेकिन कोई ब्रेक नहीं दिखेगा, जिससे ये निर्धारित होता है कि मरीज मोतियाबिंद से पीड़ित है या फिर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा से। अगला हिस्सा लाल और हरे फिल्टर है। इसका उपयोग रंग पृथक्करण या कलर डिसोसिएशन के लिए किया जाता है। लाल फिल्टर को दाईं आंख के सामने रखा जाता है, जिससे केवल लाल रंग का प्रकाश इसमें प्रवेश कर सकता है, और हरे रंग का फिल्टर बाईं आंख के सामने रखा जाता है, जिससे केवल हरे रंग का प्रकाश प्रवेश कर सकता है। इस पृथक्करण या डिसोसिएशन से चिकित्सक को दमन या सप्रेशन और डिप्लोपिया का पता लगाने और वर्ड्स 4-डॉट टेस्ट और फ्रेंड टेस्ट करने की मदद मिलती है। ये हमें संलयन या फ्यूजन और भेंगापन को मापने में भी मदद करता है। ऑक्लूडर ट्रायल केस का ऐसा हिस्सा है जो कि एक अपारदर्शी या ओपेक प्लास्टिक डिस्क है, जिसका उपयोग फ्यूजन को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये एक आंख को अवरुद्ध या ब्लॉक करने और दूसरे की जांच करने में मदद करता है। ट्रायल केस का अगला महत्वपूर्ण भाग है पिन होल। इसके केंद्र में एक छोटा छेद लगभग 1 से 2 mm व्यास का है। पिन होल प्रकाश के एक अत्यंत पतली किरण को आंखों में प्रवेश करने और रेटिना पर गिरने देता है। क्योंकि प्रकाश केवल आंख के लेंस के केंद्र से गुजरता है, लेंस के आकार में दोष, जिसे हम अपवर्तन की त्रुटियां या रिफ्रैक्टिव एरर्स कहते हैं, का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है जब ऑक्लूडर का उपयोग किया जाता है। इस तरह नेत्र चिकित्सक एक मरीज की दृष्टि में लेंस द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अधिकतम सुधार का अनुमान लगा सकते हैं। इसका उपयोग अपवर्तक त्रुटि या रिफ्रैक्टिव एरर के कारण होने वाले दृश्य दोषों को अलग करने के लिए किया जाता है। अगर मरीज को रिफ्रैक्टिव एरर्स की वजह से कम दिखने लगा है, तो पिनहोल का उपयोग करने के बाद मरीज की दृष्टि में कुछ हद तक सुधार देखी जा सकती है। इसकी मदद से नेत्र चिकित्सक रिफ्रैक्टिव एरर्स को अन्य समस्याओं से अलग कर उसकी पहचान कर सकते हैं। पिनहोल चौड़ी पुतली या फिर वाइड प्यूपल वाले मरीजों के परीक्षण करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्रायल फ्रेम भी ट्रायल बॉक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक फ्रेम है जिसका उपयोग ट्रायल केस में मौजूद अलग अलग लेंजेस को एक जगह पर पकड़ने के लिए किया जाता है। हम इसे एक अन्य वीडियो में और अधिक विस्तार से समझेंगे। ट्रायल केस का और एक हिस्सा जैक्सन्स क्रॉस सिलेंडर है। इसका उपयोग सिलिंड्रिकल पावर और एक्सिस को परिष्कृत या रिफाइन करने के लिए किया जाता है। तो मित्रों, ये ट्रायल केस पर हमारी आज की समीक्षा थी, जो कि किसी भी दृष्टि क्लिनिक में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अपने ट्रायल केस का उपयोग करते समय कुछ आदतों और नियमों का पालन करें। अपने ट्रायल केस के लेंजेस को उपयोग के बाद अपनी सुनिश्चित जगह पर व्यवस्थित रखें। एक अव्यवस्थित ट्रायल बॉक्स देखने में अच्छा नहीं लगता। उपयोग करने से पहले हमेशा लेंस को साफ करें।